सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस, आप लोगों को ये बात बोलूं, बहुत अनाप शनाप वीडियो बन रहे हैं। आज ही मैंने देखा है, किसी ने बोला है उनके मुंह पे बहुत इंजरी मार्क्स थे। अभी मार्क्स कहाँ से दिखे? जो किसी को नहीं दिखाया गया था मुंह, मैंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में खुद पता किया है जाके, लेकिन वहाँ पे भी कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। ये बहुत बड़ा सस्पेंस है। सिद्धार्थ शुक्ला के केस सुशांत सिंह राजपूत के केस से भी ऊपर है, मैं बोल देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, जहर दे के मारा गया है, किसी ने बोला है VX नर्व एजेंट। VX नर्व एजेंट एक केमिकल कंपाउंड होता है जो पेस्टिसाइड होता है खेतों में, जो कीड़े मकोड़े मारने के लिए जो ये दवा दिया जाता है उसी का स्प्रे करते हैं या पानी में मिला के देते हैं। कई कई लोग तो ग्रामीण इलाका में खेतों के जो पेस्टिसाइड है वो पी के भी लोग मरते हैं, लेकिन ये अलग तरह का है। ये एक बनाया गया है, बायोलॉजिकल वेपन बनाया गया है लोगों को ख़त्म करने के लिए। ये भी एक वीडियो निकल के आई है, ऐसा पेस्टिसाइड दिया गया था जो VX नर्व एजेंट दिया गया था। बहुत जहरीला पदार्थ है ये, जो VX नर्व एजेंट है उसमें जैसे पेट्रोल होता है ना, हमारे गाड़ी में पेट्रोल रहेंगे तो वेपर बन के वो उड़ नहीं जाता है, वैसा ही है, वो केमिकल के वेपर बन के नहीं जाता है। तो ये हो सकता है, लेकिन किसने पिलाया या किसने स्प्रे किया, ये तो बड़ी बात है। और बोल रहे हैं मुंह ढक के रखा था क्योंकि मुंह पे मार्क्स थे, या मुंह नीला पीला पड़ गया था। इसमें एक बात आती है, अगर इंजरी मार्क है तो वो तो दिखाई देगा सबको। तो शहनाज गिल ने जो बोल रहे थे उसके गोदी में सोने के बाद ही जान गई है, तो शहनाज को नहीं दिखाई दिया क्या? और अगर ये है, जहर दिया गया है तो भी नीला पड़ जाएगा पीला पड़ जाएगा, तो जहर का असर भी शहनाज को नहीं दिखाई दिया क्या? क्योंकि जहर में तो होंठ वगैरह सब काला पीला नीला पड़ जाता है। और अगर रात को दिया होगा जहर, 8-9 घंटे के बाद लोग मरते हैं इसमें, जो VX नर्व एजेंट है उसका लक्षण जो है ये सिद्धार्थ के साथ पूरा मिल खाता है, क्योंकि जो हार्ट अटैक होते हैं पूरा सिस्टम को, अंगों को डैमेज करके फिर हार्ट अटैक होता है। तो ये जहर हो सकता है, लेकिन उस जहर का जो असर है उसकी जो चेहरे पे, उसका जो चेहरे पे आएगा, ये तो शहनाज को दिखाई दे देना चाहिए था, क्योंकि जहर असर करता है 8-9 घंटे में VX नर्व एजेंट, तो उसका जो नीलापन या जो भी हो वो तो आएगा सामने 8-9 घंटे में, पीने के बाद या पिलाने के बाद 8-9 घंटे में तो चेहरे पे आ जाएगा। तो यही डाउट है किस चीज़ से कैसे मारा गया है, ये तो एकदम श्योर ये मर्डर ही है। और किसी ने बोला है अभी तक अस्थि विसर्जन नहीं किया। अस्थि विसर्जन करते हैं जब पूरा जो रिचुअल्स होते हैं, पूजा पाठ 11 दिन में, 12वीं 13वीं ये सब करने के बाद ही अस्थि विसर्जन करते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं गई थी अस्थि विसर्जन करने मेरे माँ की, तो वहाँ पे बोला सब नियम हो गया तो सब पूजा पाठ समाप्त हो गया, तो उससे पहले नहीं करते हैं हम लोग। तो यही है, अस्थि विसर्जन तो बाद में होते हैं, ये ऐसे ही वीडियो बनाया गया है। और दूसरी बात, इंजरी मार्क से जो बोला है, तो पुलिस को पता नहीं इन लोगों को कैसे पता चल गया इंजरी मार्क से, और पुलिस तो नहीं बताते। मुझे पुलिस स्टेशन में पूरा मना कर दिया है, मैडम आप ऐसे ही कष्ट कर रहे हो, ये बात आपको नहीं बताएंगे। जो इन्वेस्टिगेशन है कर रहे हैं वो ऑफिसर का नाम है पाटिल, बोले पाटिल सर नहीं बताएंगे। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर जब डिस्क्लोज करेंगे तभी हम जान पाएंगे असली वजह क्या था। और जो विसरा का ये हो रहा है केमिकल एनालिसिस, वो तो कुपर हॉस्पिटल में था ही, अभी 15 दिन बाद, अभी तक 15 दिन नहीं हुआ है। ये एनालिसिस करने में एक प्रोसीजर है, वहाँ 15 दिन लगते हैं, तो उसके बाद ही पता चलेगा जहर क्या था, या जहर दिया गया था या नहीं दिया गया था।
यह सब पता चलेगा। अभी बोला है सीबीआई को दे दिया है केस, सीबीआई को जो दिया है उसमें तो कहीं पे नहीं मिला मुझे, आप लोगों को मिला क्या? तो ये तो न्यूज़ में आना चाहिए था, सीबीआई को केस दे दिया गया है। तो यही बात है, जब तक केमिकल एनालिसिस नहीं हो जाता है अंदरूनी पार्ट्स का, तब तक सीबीआई को क्यों देंगे? क्योंकि ये पुलिस ही निकल सकते हैं, सीबीआई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। अगर डॉक्टर ठीक ठीक काम करे तो, फॉरेंसिक एक्सपर्ट काम करे तो ठीक ठीक नहीं तो विसरा तो है ही, बाद में आके सीबीआई आके बाद में ही पता कर सकते हैं अगर कोई फाउल प्ले है तो। तो यही बात है, अनाप शनाप वीडियो बनाते हैं, क्यों बनाते हैं पता नहीं। तो जो बात हम नहीं जानते हैं उसको हम 100% ये करके श्योरिटी देके हम कैसे बना सकते हैं? जो भी हो उनकी उनकी आत्मा के लिए फिर एक बार शांति के लिए प्रे करती हूँ। जय हिंद।